जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पेपर का रिव्यू करने वाले हैं अवध यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर पेपर वन, जो 2023 इस बार पेपर जो हुआ था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन और प्रायोरिटी शिक्षा के पेपर को हम रिव्यू करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, जो हमने पढ़ा, जो हमने मैराथन्स कराए थे, उसमें से आया था कि नहीं आया था। और ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक छोटा सा मैं आपको ड्यूटी दूंगा कि आप कमेंट में फीडबैक बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ और जो आपने पढ़ा था वो आया था कि नहीं आया था। मेरे वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रहें कि नहीं रहेंगे, एक जेन्युइन फीडबैक, इसलिए क्योंकि जो अगली बार बच्चे देखेंगे वो कमेंट से समझ सकते हैं कि ये मेरा चैनल सही रहता है पढ़ाई में फ़ायदे के लिए या फिर उनमें कुछ हेल्प होती है कि नहीं। तो बहुत ही जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा कि क्या वो सारे सवाल ही थे जो हमने पढ़ा था, या फिर कितना परसेंट हमारा चैनल हेल्पफुल रहा आपके लिए और कितना रहा हमारा वीडियोज़। ऐसा फीडबैक जब मुझे मिलेगा तो मैं भी अपने टीचिंग में, मैं भी अपने इसमें इम्प्रूव करूँगा, समझूँगा कि सही में रिलेवेंट है चीज़ें, जो पढ़ाया जा रहा है, जो समझा जा रहा है, वही एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले ही अगर आप कमेंट करके हमें रिप्लाई करते हैं और बताते हैं कि पेपर कैसा हुआ आपका, जो चीज़ें वीडियोस में बताई गई थी क्या वो चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, बी एड सेकेंड ईयर पेपर वन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल स्टडीज शैक्षिक तकनीकी प्रशासन प्रायोरिटी शिक्षा के पेपर वन, यहाँ पे देखते हैं 2023 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों एज यूजुअल जैसा बताया गया था, तीन सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में सवाल पूछे गए थे। सेक्शन ए दोस्तों एक सवाल एक नंबर का था, टोटल 10 सवाल थे, 25 शब्दों में इसका आंसर लिखना था। पहला सवाल शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा लिखिए। अब आप बताइएगा कि यह बताया गया था कि नहीं बताया गया था, डेफिनेटली कराया गया था। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा आपको यहाँ पे लिखना था। दूसरा, पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, एज इट इज़ कराया गया सवाल है। योग का महत्व क्या है भैया, बताइए, आया था ना, बिल्कुल आया था। सेकेंडरी वाले बच्चे प्लीज़ देखिए, एक पेपर तो हो चुका है, दूसरा पेपर होने वाला है, तीसरा पेपर, फिर इसके बाद आपकी और मेरी विदाई हो जाएगी। बड़ा इस बार का जो हमारा संबंध रहा बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, बहुत कम समय में आप लोग जुड़े, जो लोग फर्स्ट ईयर से जुड़े हैं वो लोग भी थे जो जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कम समय के लिए जुड़े हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप सभी लोगों का, बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा सहयोग सपोर्ट दिया आप लोगों ने। तो एक बड़ा ही सैड मोमेंट होता है जब सेशन कम्प्लीट होती है, तो बड़ा ही लगाव हो जाता है बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा सैड मोमेंट तो है, मगर फिर भी मैं आशा करता हूँ कि चलिए आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए जहाँ भी रहिए। सो चलिए देखते हैं कि और क्या कहते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, बिल्कुल डेफिनेटली ये बताया गया था दोस्तों, ये वाला सवाल तो आपसे पूछा गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन ये आया था। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, समय सारणी का महत्व लिखिए, मतलब द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल, डेफिनेटली पूछा बताया गया था। ये कोई भी अभी तक ऐसा सवाल नहीं है जो आपने नहीं किया हो। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोग क्या होते हैं, पोस्ट का भी आपको बताया गया था, इसके फुल फॉर्म इग्नू का फुल फॉर्म दोस्तों, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, पोस्ट कार में प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग डायरेक्टिंग कॉर, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। इन्फेक्शियस डिजीज़ में वो किसी माध्यम से पहुंचता है, किसी वायरस या प्रोटोजोआ के, तो ये सारे वो सवाल जो आपको कराए गए थे। 10 के 10 सवाल एज इट इज़ इसी क्वेश्चन के साथ आपको कराया जा चुका है, मैं इस बात को मानता हूँ। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा हुआ पेपर, क्या ये चीज़ें कराई गई थी कि नहीं कराई गई थी। सेक्शन बी की एक सवाल रह गया था, सेक्शन ए में एक पर अच्छे सुपरवाइजर पर्यवेक्षक के गुण, ये भी क्वेश्चन कराया जा चुका है बच्चों, डेफिनेटली यस सच। अब आइए सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी 2 शब्दों में लिखना था, 8 नंबर का एक सवाल, टोटल 5 सवाल करने थे शैक्षिक, ये सेक्शन बी की बात करें। पहला सवाल आपसे पूछा गया था, इसमें शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्रों का वर्णन करिए और राज्य सरकार की भूमिका, ये तो हर साल पूछता है, हालांकि मैंने नहीं कराया था, एक वीडियो में कराया था इसके प्रशासनिक ढांचे की, ठीक है, राज्य सरकार की भूमिका की कराया था एक वीडियो में, लेकिन हर साल ये वाला भी कराया गया दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र, वास्तव में वही पोस्ट कार भी है दोस्तों, पोस्ट कार से संबंधित आप इसको लिखते हैं, ठीक है। ये वाले सवाल भी बिल्कुल जेन्युइन सवाल थे, पूछे गए सवाल आपसे आए हैं यहाँ पे। अगला देखिए, यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, राष्ट्रीय एनसीईआरटी शैक्षिक अनुसंधान के प्रशिक्षण के कार्य बताइए, तो ये भी आपसे पूछा गया था दोस्तों। और एजुकेशनल मैनेजमेंट, ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन के बारे की भूमिका स्थानीय स्तर पे, ये सारे सवाल कराए गए थे। विद्यालय प्रबंधन, ओहो हो, स्कूल मैनेजमेंट के उद्देश्य पूछे गए हैं, और एक अच्छे प्रधानाध्यापक के गुण,
ये सारे जेन्युइन सवाल कराए गए हैं, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन आपके पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई कर सकते थे। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या एक समान विवेचना करिए, इसके बारे में बताया नहीं गया था, मैंने आपको वर्बली बताया था कि हाँ ये सवाल आते हैं, और जनसंख्या ऐसा टॉपिक है इसलिए नहीं कराना क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आसानी से आपने कर लिया होगा। तो ये वाला सवाल भी बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, बहुत ही मुझे बहुत ही आत्मविश्वास है, बहुत ही मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बच्चों आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, और आप इस बार देखिएगा अवध यूनिवर्सिटी भी याद करेगी कि इस बार बच्चों का क्या रिजल्ट आया है। अगला संक्रामक रोग, फिर से वही सवाल संक्रामक रोग के बारे में पूछा गया था, इसको संचरण के तरीके क्या हैं वर्णन करिए, प्रशासन और एवं प्रवेक्षण में अंतर स्पष्ट करिए, ये वाला सवाल आपसे, ये प्रशासन एवं प्रवेक्षण एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन, यहाँ पे एमएचआरडी इंपॉर्टेंट रिपीटेड सवाल है, ये आपसे पूछे गए थे। यहाँ तक सेक्शन बी के भी सारे सवाल आपने आसानी से कर लिया, और ऑप्शन के बाद मतलब ऐसे सवाल पूछे गए और इस तरीके से आपने तैयारी करी थी ना कि आपको देख के सबसे पहले तो खुशी मिल जाएगी कि हाँ इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया आ गया है, ये वो सारे सवाल हैं जो आपने करा है, पढ़ा है, वीडियो देखा है, आपने पीडीएफ पढ़ा है, तो वो सारे सवाल थे। सेक्शन सी की बात करें दोस्तों, 500 शब्दों में लिखना है और एक सवाल 15 नंबर का होता है, दो सवाल आपको टोटल करने हैं, चार सवाल दिए रहेंगे, और उन चार सवालों में जैसे पहला सवाल है दोस्तों, जैसे ये देखिए 30 नंबर का, दो सवाल करने हैं ना, पहला सवाल था शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य उपयोगिता का वर्णन कर, मैंने कहा था ना दोस्तों आया था बिल्कुल आया था, विश्वविद्यालय UGC के बारे में, हालांकि UGC के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सही है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचा, समय सारणी के सिद्धांत, हो भैया आ तो गया, दो सवाल में आपने शैक्षिक प्रशासन कर लिया, समय सारणी कर लिया, बहुत ही आसान है दोस्तों। एक और सवाल आपसे पूछा था, पर्यावरणीय शिक्षा की प्राकृतिक क्षेत्र का सविस्तार वर्णन करिए, बहुत ही जेन्युइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, ये पूरे जो सवाल आपसे पूछे गए हैं बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं, बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछे गए हैं, और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई भी ऐसा बच्चा या बच्ची नहीं होगी जिसको ये पेपर अच्छा नहीं गया होगा, बहुत अच्छे से लिख के आए हैं आप लोग, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया होगा, समय बना लिया होगा, तो कोई सवाल छूटेगा नहीं, बहुत अच्छे से आप करके आए होंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है, और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरीके से आपने पेपर किया है। मुझे पता कैसे चलेगा कि आपने पेपर कैसे किया, कैसे लिखा, कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसा आपने पेपर किया, कितना अच्छा पेपर हुआ आपने, किस तरीके से लिखा आपने, फ़ायदा रहा कि नहीं रहा मेरे वीडियोस से, कितना हेल्पफुल रहा, कितना आप मुझे कहेंगे कि वीडियोस कैसा रहा, मतलब ये कह लीजिए कि आज बहुत अच्छा रहा, नॉर्मल रहा या ख़राब रहा, क्या अनुभव रहा आपका, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले पेपर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ आपको, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, अपने अन्य दोस्तों को भी बताइए, जो आपके अगली साल जूनियर आएंगे, जो छोटे भाई बहन आएंगे, उनको भी बताइएगा कि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई फीस तो लगनी नहीं है, साथ में जुड़े रहेंगे तो अच्छी बात है, सीखेंगे, अच्छा ही पढ़ेंगे। सो इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से बीएड के बाद भी आपकी जो भी भावी जीवन है, जो भी भविष्य के जीवन है, बहुत सारे लोगों की, तो खासतौर पे अगर फीमेल्स की भी बात करें तो बहुत लोगों की शादियां हो जाएंगी, रिश्ते देखेंगे, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, उन सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आशा करते हैं कि जो हमारा साथ है, जो हमारी फ्रेंडशिप या जो हमारा कनेक्शन है इस चैनल के माध्यम से, वो बने रहेगा चैनल से, बड़ी याद आएगी आप सबकी। चलिए अगले पेपर की तैयारी करिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी और बातें होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।